कुछ दिन कबल ये बातें गर्दिश कर रही थी कि कौमी टीम में इतिहाद नहीं है, दो ग्रुप बने हुए हैं, बाबर आजम ग्रुप और शाहीन शाह अफरीदी ग्रुप। खिलाड़ी आपस में बात नहीं करते, खिलाड़ियों की बॉन्डिंग नहीं है। बहुत सारे साबिक खिलाड़ियों ने इस बात की तस्दीक की थी, जिसमें वसीम अकरम का भी नाम सर फहरिस्त आता है कि उन्होंने कहा था कि खिलाड़ियों की आपस में बॉन्डिंग नहीं है और कुछ खिलाड़ी आपस में बात नहीं कर रहे। ऐसी सिर्फ खबरें चल रही थी, लेकिन आज कौमी टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने कुछ इंकशाफात किए हैं, पाकिस्तान टीम के इतिहाद पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि इस कौमी टीम में आपस में बॉन्डिंग नहीं है, आपस में इत्तेफाक नहीं है, टीम जो है मुत्तहिद होकर नहीं खेलती, आप एक दूसरे के खिलाफ खेलती है, टीम जो है वो एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं, ना कि अपोनेंट के खिलाफ हो, ये एक दूसरे के खिलाफ ही ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। इस तरीके की कुछ बातें सामने आई है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल उन्होंने पाकिस्तान टीम की फिटनेस पर उठाया है। ये कहा कि मैं दुनिया की टीमों के साथ काम कर चुका हूं, लेकिन इस टीम के मामलात नहीं समझ आ रहे। कोच गैरी क्रिस्टन ने कहा कि जब से आया हूं एक चीज नोट कर रहा हूं कि टीम में इत्तेफाक नाम की चीज नहीं है, ये टीम सिर्फ नाम की टीम है, लेकिन टीम अप होके कोई नहीं खेलता। अच्छा, देखिए सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान टीम की फिटनेस का जो मसला है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से पहले काकुल में जाकर उन्होंने ट्रेनिंग की है, काफ़ी टाइम उन्होंने ट्रेनिंग की और जिस तरीके के वीडियो मौसूल हो रही थी तो बड़ी ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छे लेवल की ट्रेनिंग हो रही है और पाकिस्तान टीम के कुछ खिलाड़ी फिट भी हुए, लेकिन उसके बाद भी कोच गैरी क्रिस्टन की जानिब से ये कहना कि पाकिस्तान टीम के फिटनेस मसाइल है, ये समझ नहीं आया। दूसरी बात, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान टीम इस तर्ज की क्रिकेट नहीं खेल रही जैसे मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है, पाकिस्तान उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेल रही, हम अभी दुनिया से बहुत पीछे। देखिए यार, ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। बहुत सारे फॉरेन कोचेस आए, उन्होंने भी यही बातें की, मिकी आर्थर के दौर में भी यही बातें थी कि पाकिस्तान की फिटनेस का बड़ा मसला है। तो यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे कोचेस बदल गए लेकिन पाकिस्तान की फिटनेस का बड़ा मसला है। यार जहां इतने जदीद दौर की एक्सरसाइजेस आ गई, जदीद दौर के फिटनेस टेस्ट आ गए हैं जिसमें यो-यो टेस्ट शामिल है, बहुत सारे टेस्ट है, लेकिन पाकिस्तान टीम के फिटनेस के मसाइल हल नहीं हो रहे। यानी ये टीम इतने सालों से खेल रही, इतनी एक्सपीरियंस टीम है, उसके बाद इसके फिटनेस के मसाइल, यार ये तो समझ से बाहर है। फॉरेन कोचेस आते हैं, पाकिस्तान टीम के साथ वक्त गुजारते हैं और फिर आखिर में वो ये इल्जाम लगाते हैं कि पाकिस्तान टीम की फिटनेस का मसला है, जिसमें एक सबसे बड़ी एग्जांपल मिकी आर्थर की थी, जिसमें उन्होंने उमर अकमल के ऊपर ये कहा था कि उमर अकमल की फिटनेस ही सही नहीं है। तो ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान टीम अपने फिटनेस के मसाइल हल क्यों नहीं करता, और जब इतने फिटनेस कैंप लगाए जा रहे हैं उसके बाद भी फॉरेन कोचेस ये बात कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात, मेन बात, फिटनेस चले एक मसला है, लेकिन सबसे बड़ा मसला कि टीम में बॉन्डिंग ही नहीं है। फिटनेस तो चलो अगर आप फिट नहीं है तो ग्राउंड में आप उतर रहे, लेकिन एटलीस्ट इत्तेफाक हो टीम में, जब आप टीम अप होकर खेलते हैं तो कुछ ना कुछ आप कारनामा अंजाम दे देते हैं, लेकिन जब दो लोग आपस में बात ही नहीं कर रहे, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, तो वो कैसे टीम के लिए खेलेंगे? अब दो खिलाड़ी आपस में बात ही नहीं कर रहे, वो ग्राउंड में उतर रहे, तो यार ये समझ नहीं आ रहा कि इस टीम में ग्रुपिंग हुई कैसे। देखिए सबसे पहला मसला बाबर आजम की कप्तानी का था, शहंशाह अफरीदी से कप्तानी लेके बाबर आजम को दे दी गई, उसके बाद दोनों के बीच में मसाइल हुए, फिर टीम में कुछ ग्रुपिंग हो गई, फिर कुछ रिटायर खिलाड़ियों को लाया गया जिनका पहले से ही एजेंडा था कि टीम के अंदर फूट डालनी है, जो टीवी में बैठ के भी टीम के खिलाफ बातें करते थे उनको लाया गया। ये भी सुनने में आ रहा है कि वो भी अब जो है वो टीम से जा रहे हैं और वर्ल्ड कप खेल लिया है, लीग क्रिकेट नहीं तो वर्ल्ड कप भी खेल लिया। तो भाई अब ये टीम जीतना सवाल ही नहीं था कि ये टीम जीते, ये मैं आपको बता दूं कि ये टीम जीतने का सवाल ही नहीं था। इससे भी ज्यादा बदतरीन कारकर्दगी होती पाकिस्तान की, पाकिस्तान अपने राउंड के सारे मैच हारता, ये तो शुक्र करे कि पाकिस्तान तीन मैच भी जीत गया। जिस टीम में बॉन्डिंग नहीं है, फिर वो देखे क्रिकेट तो है यूनिटी का नाम, आप यूनाइट होकर खेलते हैं तभी आप जीतते हैं, अदरवाइज आप नहीं जीतते, क्योंकि ये फर्दे वाहिद का गेम नहीं है। 11 खिलाड़ी ग्राउंड में उतरते हैं, ये 11 खिलाड़ियों का गेम है, फर्दे वाहिद को ब्लेम करना बंद कर दें, ये बात समझ जाए कि 11 के 11 खिलाड़ी आपके परफॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि आपस में इनकी ही नहीं बन रही। तो जाहिर सी बात है कि बाबर आजम की कप्तानी में कोई क्यों परफॉर्म करने का सोचेगा, कि जब वो परफॉर्म करेंगे तो नाम बाबर आजम का होगा। या ऐसे ही शहंशाह अफरीदी की बात भी मैं करूं तो आप कप्तानी की जंग की वजह से इस टीम में बड़े मसाइल हो गए और इस बात की अब तस्दीक एक तरीके से हेड कोच ने भी कर दी। अब देखते क्या होता है, इस टीम का क्या बनेगा, समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान टीम ग्राउंड मैचेस से बाहर हो गई है, घर आ रहे हैं, अब अल्लाह ही खैर करे इस टीम का। जिस तरीके से आपकी टीम के फिटनेस के मसाइल, आपकी टीम की जदीद मॉडर्न डे क्रिकेट के मसाइल, तो भाई मसाइल ज़्यादा हैं और क्रिकेट कम लग रही है।